हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रणवीर दैतिमन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी आउट हुई है, और सभी बच्चे जो हैं ये भी जानना चाहते हैं कि सिलेबस इसका क्या है। बाकी सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी थी। यदि आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखिएगा, वहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मेरे द्वारा आप लोगों को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हर चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ जो कि आपके फ़ायदे के लिए होती है। ठीक है, कोई किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ जो है वो मैं आप लोगों के सामने नहीं रखती हूँ, और चाहे आप जो है पिछले जितने भी वीडियोस आप देख सकते हो, तो यहाँ पर बिल्कुल साइट पर ही जाकर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब हम जो है डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होता है तब तक आपके मन में ये डाउट रहता है कि सिलेबस में जो है क्या क्या पूछा जाएगा। हम फॉर्म भरने से पहले इसे तो जान ही लें। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है, लेकिन हम बात करेंगे पीजीटी के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो पीजीटी के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। आपकी एज जो है क्या रहेगी पीजीटी के लिए, जो है वो आपकी 40 साल जो है वो जो जनरल के बच्चे हैं, सामान्य जो बच्चे हैं उनके 40 साल है। इसके अलावा आरक्षण का जो है लाभ आपको यहाँ पर एज में मिलता ही है। और क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, तो आपने जो है पीजी किया है आपके सब्जेक्ट में, साथ में बीएड आपका मांगा गया है। अब जो है सिलेबस देखिए कितने भागों में है, 6 भागों में आपका सिलेबस है। ठीक है, तो जिसमें पार्ट वन में जनरल अवेयरेंस आपसे पूछी जाएगी, करंट अफेयर जो है इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन हैं 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी जो है वो पूछी जाएगी आपकी, 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। आईसीटी की नॉलेज या कंप्यूटर की जो है वो थोड़ी सी नॉलेज पूछी जाएगी। अभी तक जो है वो आप जितने भी एग्ज़ाम देते आए हैं वहाँ आईसीटी जो है वो जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप सभी जो है वो हल कर ही लेते हैं, क्योंकि सामान्य ही पूछे जाते हैं, इतना हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, तो ये 10 मार्क्स के आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जो शिक्षण योग्यता है, अभी आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ आपसे टीचिंग से आप जुड़ रहे हैं तो उससे प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। प्रैक्टिकल माइंड होकर आप लोग इसके जवाब देते भी हैं तो ये 10 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। फिफ्थ जो पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हों, ये आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इस 80 मार्क्स में से भी जो है डिवाइड किया गया है, 70 मार्क्स जो है वो आपका सब्जेक्ट का ही है। जैसे आपने हिंदी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं तो हिंदी के ही 70 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से दे रहे हैं तो इंग्लिश के रहेंगे, इकोनॉमिक्स के, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है। 5 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पूछे जाएंगे एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, यानी पेडागोजी के 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और साथ में जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने 5 मार्क्स के। एनईपी जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके जो है 5 प्रश्न जो है वो रहेंगे 5 मार्क्स के। यानी टोटल ये जो भाग है पार्ट 5, ये हर बच्चे के लिए जो है रहेगा उसके सब्जेक्ट से संबंधित। ठीक है, जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसके खुद के सब्जेक्ट से ही संबंधित तो पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको जो कुछ नया आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैडागोजी क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अभी जो है एग्ज़ाम आपके हुए हैं, 1st ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, इससे पहले जो रीट का हुआ था, उसके बाद 3rd ग्रेड का भी हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर भी चुके हैं और इसकी नॉलेज आपको काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर नया जो है वो क्या रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ रीजनिंग वगैरह इससे जो है उनका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर केवी की तरह ही सिलेबस है तो यहाँ आपसे रीजनिंग मैथ कंप्यूटर तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके थोड़ा थोड़ा ही है, 10 10 क्वेश्चन है, 20 20 क्वेश्चन है, यही पूछा जाना है। 6 जो पार्ट है ये सभी के लिए समान है। देखिए पार्ट 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1 से लेकर 4 तक और एक लास्ट जो है वो 6 पार्ट, ये सभी बच्चों के लिए समान है। फर्स्ट पार्ट जो है जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सभी के लिए एक जैसा ही रहेगा। पार्ट 6 जो है वह भी समान रहेगा, जिसमें आपकी हिंदी इंग्लिश जो है सामान्य हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी। 10 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी, 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी। इसको आप अच्छे से पढ़ लो। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी हर भाषा में आपकी हिंदी में भी 40% मार्क्स, इंग्लिश में भी 40% मार्क्स जो है वो आने ही चाहिए।
अगर आप इसको नहीं कर पाते हो, 40% मार्क्स नहीं ला पाते हो, तो यहाँ पर लिखा है पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्यूटेड, यानी बिल्कुल नंबर आपके आकलन आपका नहीं किया जाएगा। 1 to 5 में आपने कितने भी मार्क्स गेन किए हों, ठीक है, आपको फेल ही माना जाएगा। तो यहाँ पर जो पार्ट 6 है वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश में आपके जो हैं 40-40% मार्क्स जो हैं वो आपके आने चाहिए, यानी 10-10 मार्क्स के जो है आपके हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा। कितने घंटे का पेपर रहेगा आपका? 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है वो 20 मार्क्स जो है वो आपके भाषा से संबंधित होंगे, जो कि आपके पूरे एग्ज़ाम पर इफेक्ट डालेंगे। हिंदी इंग्लिश जो है उसमें आपको 40-40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। इसके अलावा 130 मार्क्स में से जो है आपके 50 मार्क्स जो है वो सभी के समान ही हैं, ठीक है, जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड। बाकी जो मार्क्स हैं आपके 80 मार्क्स वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे, उसी से संबंधित आपकी पैडागोजी एनईपी 2020 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका भी जो है दिया हुआ है, लेकिन पीजीटी के जो सब्जेक्ट आप लोग फिल करेंगे उसका मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपका जो पेपर होगा वो बिल्कुल केवीएस की उसी के सिलेबस के समान ही रहेगा, ठीक है। और आप लोग अगर खुद चेक करना चाहो सिलेबस आपके खुद के सब्जेक्ट का, तो ये साइट है emrs.tribal.government.in, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको जो है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी जो है वो मैंने आपको बता दी थी, क्या क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ मैंने आपसे जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, दोबारा से बता देती हूँ। पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं तो उनकी जो है यहाँ पर 40 साल तक जो है यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाओगे, और एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको SC ST OBC ये कैटेगरी जो है इनको मिल ही रहा है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये भी आप देख लें, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स इकोनॉमिक्स और रीजनल लैंग्वेज भी है, ठीक है। मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है, साथ में बीएड मांगा गया है। और एक और चीज़ है जो आप देख लें, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4-year degree course बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने 4 साल का जो है यहाँ पर BSc बीएड BA बीएड ठीक है ये कर रखा है, तो अलग से जो है वो बीएड नहीं मांगा गया है। और जो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बीएड नहीं मांगा गया। अभी जो है डिटेल में सिलेबस आप देख लो, मैंने आपका ओवरव्यू जो है वो आपको बता दिया है, क्या क्या पूछा जाएगा, कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा सभी को। अब देखो यहाँ पर जनरल अवेयरेंस जो है वो सभी बच्चों को पढ़ना है, तो क्या पूछा जाना है? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी यहाँ पर जीके रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, वो आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वह पूछे जाएंगे, ठीक है। और आईसीटी में आपका क्या पूछा जाएगा? यहाँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट एंड देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ज़्यादा कठिन जो है यहाँ सिलेबस आईसीटी का नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है चीज़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप सभी जानते हो, आप सब लोग जो है इस चीज़ को पढ़ चुके हो, तो आपके सब्जेक्ट से संबंधित ही प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे इसमें। और देखिए 5 मार्क्स का आपका जो है ये पैडागोजी जो है इस ये जो है वो आपकी 5 मार्क्स की पैडागोजी और 5 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड जो है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरीके से जो है वो आप बच्चों को हैंडल करेंगे, जिस क्लास के लिए जो है वो आप देते हैं एग्जाम उसी से संबंधित प्रश्न होते हैं इस टाइप के सिलेबस में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 आपके ये पूछी जानी है। जनरल इंग्लिश में जो है वो क्या पूछा जाएगा? तो जो ग्रामर का पोर्शन है, वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, एडवर्ब है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरल इंग्लिश में आपके जो ग्रामर है वो ही पूछी जाती है। जनरल हिंदी में जो है यहाँ पर भी जो है ग्रामर पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है अब देखिए सब्जेक्ट से संबंधित पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन, तो वो सिलेबस आपका दिया हुआ है और यहाँ पर सभी के जो है सिलेबस दिया है पीजीटी मैथ का, तो
तो ये तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और मुझे जो है इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो आप लोग जो है साइट पर जाकर जो है वो अपना सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो अच्छे से देख लें, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स का दिया हुआ है, उसके बाद केमिस्ट्री का दिया हुआ है, ठीक है, बायो का दिया हुआ है, फिर देखें कंप्यूटर साइंस का दिया हुआ है। हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। देखिए यहाँ पर पीजीटी इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस जो है वो अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी पीजीटी इकोनॉमिक्स से देंगे तो वो अपना सिलेबस जो है वो यहाँ पर देख लें। माइक्रो मैक्रो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। और यहाँ पर पीजीटी के सिलेबस के लिए जो है वो आप कहाँ तक की बुक पढ़ेंगे, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, वहाँ तक तो आप पढ़ के ही आए हैं, तभी आपने पीजी जो है उसमें डिग्री हासिल की है। ज्योग्राफी में जो है ये सिलेबस है आपका, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, द अर्थ, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट का जो है वो पूरा पार्ट आपका रहेगा, वाटर का रहेगा, लाइफ ऑन द अर्थ, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजियोग्राफी, ठीक है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉयल, उसके बाद देखिए फंडामेंटल ऑफ मैप, वेदर मैप, पीपल, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। यहाँ पर देखिए पूरा सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ है और इसको जो है हिंदी में जो है वो मैं लेकर आऊँगी, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो देख लें। हिस्ट्री में देखिए पीजीटी हिस्ट्री में जो है वो राइटिंग एंड सिटी लाइफ, एन एम्पायर एक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, तो हेडिंग जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, नोमैडिक एम्पायर, द 3 ऑर्डर, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशनल, डिसप्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, किंग्स फार्मर एंड टाउन, किनशिप कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स, थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, उसके बाद जो है पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, और महात्मा गांधी एंड द नेशनलिज्म मूवमेंट जो रहेगा, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो संविधान के जो है क्वेश्चन भी आपसे पूछे हैं, किस तरीके से जो है वो संविधान का जो है निर्माण हुआ, सारी चीज़ें यही पूछी जाएंगी, हिस्ट्री का ही सिलेबस रहेगा, उसके बाद जो है इंग्लिश का है। तो कंप्लीट सिलेबस के लिए सबसे पहले गूगल पर जो है आप सर्च करेंगे emrs.tribal.government.in, ठीक है, ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें हर चीज़ जो है वो मेंशन है, यानी क्या जो है एज है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कितनी पोस्ट हैं, ठीक है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद जो है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, सिलेबस जो है वो आप देख सकते हैं, सिलेबस ऑफ द पोस्ट ऑफ पीजीटी, ये जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और आपका खुद का जो है वो सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से जो है वो देखेंगे। तो चलिए, और भी कोई जानकारी होगी आपके लिए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।